हरिओम। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 8 से आज हम शुरू करेंगे। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता ये संवाद है, डिस्कशन है, वन वे ट्रैफिक एक्चुअल में। अर्जुन और कृष्ण की तरह नहीं है ये गीता, ये है अपने अनुभवों को बताया गया है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बताया गया। दोनों पहाड़ के शिखर पे पहुंच गए और उस शिखर पे पहुंचने के बाद दोनों का व्यू, दोनों का विजन क्या है। साधना अलग है, सिद्धि अलग है। दो शब्द समझ लीजिएगा, साधना के मापदंड अलग हैं, सिद्धि में अलग है। आप पहाड़ चढ़ते हो, उसके रास्ते हैं, पगडंडी है, पहाड़ का अपना एक तरीका है, वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग होता है। जब आप शिखर पे पहुंच जाते हो तो आपकी दृष्टि बिल्कुल भिन्न हो जाती है। रास्ते में जो आपकी दृष्टि थी वो टॉप पे पहुंचने पे भिन्न हो जाती है। ये संसारिक स्तर पे भी देखा जाता है। आप मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे थे, आप इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे थे, आपकी दृष्टि मेडिसिन को देखने की अलग थी, आपकी दृष्टि इंजीनियरिंग को देखने की अलग थी। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा किया, मेडिकल कॉलेज पूरा किया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट हो गया। राइट और रॉन्ग दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, एथिकल और इनएथिकल इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जब कर्मा भक्ति ज्ञानम की साधना कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, तो गीता जी हमारे लिए बहुत सहायक होती है। गीता जी की सहायता क्यों है? क्योंकि वो हमारे साथ पग से पग, हाथ से हाथ लेके चलती है। अष्टावक्र गीता ऐसा नहीं है। अष्टावक्र तो अपना श्रेष्ठ पॉइंट ऑफ व्यू बताते, साधना नहीं बताते। वो जो फिनाले है वो कैसा है वो बताते, जो हमें इंस्पायर करता है। वो दृष्टि देखने की हमारी अभी शक्ति नहीं है, लेकिन जिन्होंने देख लिया है वो व्यू, वो हमें इंस्पायर करते हैं। जो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वो हमें एक इंप्रेस करते हैं कि ये दृष्टि अच्छी होगी। तो साधना जो है वो है कर्म भक्ति ज्ञान, सिद्धि है मोक्ष, प्रोसेस है कर्मा भक्ति ज्ञान। कर्मा करो, भक्ति करो, ज्ञान करो, ये प्रोसेस है। डेस्टिनेशन है मोक्ष, डेस्टिनेशन है सेल्वेशन, डेस्टिनेशन है लिबरेशन, डेस्टिनेशन है स्वतंत्रता, डेस्टिनेशन है मुक्ति। गीता जी के पांचवें अध्याय में चार टर्म्स आती है, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। चार बातें बताई हैं, भोगी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी। भोगी पे तो इतनी चर्चा नहीं करी क्योंकि हम सब अनुभव कर रहे हैं। भोगी मतलब वो व्यक्ति जिसका जीवन का मकसद है खाओ पियो ऐश करो। भोगी वो है जिसमें बहुत सारी वासनाएं हैं, भोगी वो है जिसमें बहुत सारी वासनाएं हैं और उन वासनाओं को वो फुलफिल करना चाहता है, उन वासनाओं को वो फुलफिल करना चाहता है। किसी तरह से उसके अंदर ये डिजायर है कि मैं अपनी वासनाओं को क्या कर लूं, पूरा कर लूं। और उस पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो पहला है भोगी, उसके बाद आता है योगी, फिर आता है सन्यासी और फिर आता है ज्ञानी। ये चार स्थितियां। पहला है भोगी की। भोगी वो है जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं और पर्पस है कामनाओं को फुलफिल करना। योगी वो है जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं लेकिन पर्पस है कामनाओं को कम करना। सन्यासी वो है जिसमें बहुत कम कामनाएं हैं और मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। और ज्ञानी वो है, पांचवें अध्याय में बताया गया, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है।
भोगी योगी सन्यासी ज्ञानी। रिपीट, भोगी वो है जिसमें बहुत सारी कामनाएं है, डिजायर है, और पर्पस क्या है, टू फुलफिल हिज और हर डिजायर। आई हैव अ डिजायर टू बाय अ कार, आई हैव अ डिजायर टू गेट मैरिड, आई हैव अ डिजायर टू ट्रेवल, आई हैव अ डिजायर टू हैव अ हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला, यू हैव अ डिजायर। और उस डिजायर को फुलफिल करने में हर आदमी, हर बंदा लगा हुआ है, राइटली रॉन्गली, एथिकली अनएथिकली, बट पर्पस हर आदमी का, फ्रॉम ऑकलैंड टू लॉस एंजलिस तक, फ्रॉम नासिक टू न्यूयॉर्क तक, फ्रॉम द नासिक टू द न्यूयॉर्क, ऑकलैंड टू लॉस एंजलिस, टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को, पूरी दुनिया में हर बंदा, पूरे संसार में हर बंदा के अंदर डिजायर्स हैं और वो डिजायर को फुलफिल करने में लगा हुआ है, सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक, उसका एक ही मकसद है, भोग करना, इंजॉय करना। वो भोग राइचस हो, अनराइचस हो, एथिकल हो, अनएथिकल हो, दैट्स अ सेपरेट इशू। किसी का मन है कि मुझे लेटेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव स्कॉच पीनी, उस मोस्ट एक्सपेंसिव स्कॉच पीनी है इसलिए मैं एफर्ट कर रहा हूं। किसी का मकसद है कि मुझे बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है, किसी का मकसद है मुझे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दे रहा हूं, किसी का मकसद है कि मुझे कार लेनी है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, अध्यात्मिक हो। भोगी वो है जिसके अंदर बहुत सारी डिजायर है और पर्पस है टू फुलफिल हिज और हर डिजायर। उसके बाद आता है योगी, योगी के अंदर भी बहुत सारी डिजायर्स है और उसका पर्पस है डिजायर को कम करना, डिजायर को कम करना। अच्छी डिजायर पकअप कर लो, छोटी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। योगी हायर चीज से जुड़ा, उसका डिजायर फुलफिल करना नहीं है, डिजायर कम करना। लेकिन योगी में भी बाय द वे बहुत सी डिजायर है। भोगी के बाद योगी, योगी के बाद आता सन्यासी। सन्यासी वो है, गीता जी पांचवें अध्याय में कहती है, जिसके अंदर बहुत कम डिजायर्स है, बहुत कम वासनाएं हैं, को बहुत कम डिजायर्स हैं, और उसके अंदर पर्पस क्या है उसकी लाइफ का, मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, आवागमन से मुक्त होना। ऐसा आदमी जिसके अंदर बहुत कम डिजायर है, वो ध्यान में ज्यादा बैठता है, वो भोग विलास में कम लगता है, उसका एटीट्यूड रिस्ट्रेन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि डिजायर ही नहीं है तो रिस्ट्रेन कम जरूरत पड़ती है। भोगी से योगी, योगी से सन्यासी, सन्यासी के बाद आता है ज्ञानी। ज्ञानी में कोई डिजायर नहीं है, कोई पर्पस नहीं, कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। नदी का उद्देश्य है समुद्र से जुड़ना, और एक बार समुद्र से जुड़ गई देन उसका पर्पस फुलफिल हो गया, वो मर्ज हो गई। तो हम भोगी को समझ सकते हैं, योगी को समझ सकते हैं, सन्यासी को समझ सकते हैं, अष्टवकर ज्ञानी की बात कर रहा है, अष्टवकर सेल्फ रियलाइज्ड बंदे की बात कर रहा है, अष्टवक्र उस मनुष्य की बात कर रहा है जिसने मनुष्य तत्व को छोड़ के परम तत्व प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो अब व्यक्ति नहीं रहा, पूर्ण बन गया, ब्रह्म बन गया, आत्म बन गया। फिर वो जीरा कैसे, वो खाता पीता सोता दिखता नजर आता है, वो व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज्ड है। पहली बात तो हमें नजर ही नहीं आएगा सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति, लेकिन मान लीजिए कोई कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामतीर्थ, रमना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस सेल्फ रियलाइज्ड थे, लेकिन उनके जीवन में भी खाना पीना सोना जागना था, उनकी डिजायर होगी कपड़े पहनने खाने की, तो फिर तो वो सेल्फ रियलाइज नहीं हुए। नहीं, वो संचित उनकी सारी खत्म हो गई है, संचित वासना उनकी सारी खत्म हो गई है, एंड प्रारब्ध जी रही है। ऐसे है जी, ये प्रारब्ध वासना है, ये संचित वासना। हमारे पास संचित बहुत ज्यादा है और प्रारब्ध कम है, तो संचित को हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नाउ सेल्फ रियलाइजेशन में आदमी अपनी संचित वासना सारी खत्म कर लेता, अपनी संचित उसकी सारी खत्म हो जाती है, अब सिर्फ प्रारब्ध रह जाती है, और प्रारब्ध धीरे, प्रारब्ध वासना धीरे धीरे
खत्म होती है, और जब प्रारब्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए उस स्थिति को कहते हैं महासमाधि, उस स्थिति को कहते हैं महासमाधि। जब संचित सारी खत्म हो जाए उस स्थिति को कहते हैं समाधि। समाधि धी मीन्स बैलेंस, समाधि मीन्स सम हो जाए, कंफ्यूजन ना हो, बुद्धि में भ्रष्ट ना हो। तो वो व्यक्ति जो समाधिनिष्ठ है, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है जो समाधि निष्ठ पुरुष है उसके क्या लक्षण है। तो वो व्यक्ति संसार में खाता पीता सोता हंसता रोता लड़ता झगड़ रहा है, एक्सटर्नली वो अपने कर्म कर रहा है लेकिन इंटरनली स्विच ऑफ है। जैसे छोटे बच्चे के साथ आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो, छोटे बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हो, 95 पे सांप है, 94 पे आप हो, आपका छोटा सा नाता भी नाती भी 94 पे, 94 पे आपका नाता है नाती दापोता पोती है और 95 पे सांप है। वो गिट्टी चलता है, उसका नंबर 1 आ जाता है, वो भीतर और बाहर शैटर्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। और आप भी चल रहे हो 94 पे आप हो, आपने भी गिट्टी चली, आपका भी नंबर 1 आया, 95 पे सांप 3 पे डंक मार के ले गया। ना बाहर से आप बिहेव डिफरेंट करते हो लेकिन भीतर से यू आर ऑफ, यू हैव नो लाइक्स नो डिसलाइक्स, नो डिजायर टू विन नो डिजायर टू लूज, यू जस्ट डू इट, इट्स मैकेनिकली कर रहे हो। सो हम सब लोग इफ यू आर इन्वॉल्व यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति संसार के किसी भी झंझट झमेले में इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति संसार के किसी भी झंझट झमेले में फंसता नहीं है। वो खाता पीता सोता हंसता इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही है, वो देख के लिप्त नहीं होता। इसी बात को बताया गया 8वें श्लोक, इसी बात को इस अगले जो 4-5 श्लोक हम करने जा रहे हैं उसमें 2-3 बार यही बात आएगी। एग्जैक्ट श्लोक वैसा का वैसा गीता जी से लिया गया, इसलिए कई बार ये धारणा बनती है कि गीता जी के बाद लिखी गई अष्टवक्रियां उससे पहले, क्योंकि ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो गीता जी में लिखे हैं जो अष्टवक्र में भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता जी ने अष्टवक्र से लिया होगा, क्योंकि ये तो बात सच है कि भगवत गीता जी में ऐसे कई श्लोक हैं जो उपनिषदों से हैं और उपनिषद गीता जी से पहले थे। सो व्हाटएवर सेड एंड डन, जैसे हम भी कोट कर देते हैं, अब हम कबीर को कोट करते हैं, कबीर हमें थोड़ी कोट करेगा, हम कबीर को कोट करते हैं। क्यों कबीर को कोट करते हैं? क्योंकि कबीर हमसे पहले था। सो कमिंग बैक टू वर्स नंबर 8 अध्याय नंबर 17 हम शुरू करते हैं अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 8 से। कृतार्थो नेन ज्ञानेन ह त्वेवं गलितधीकृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन्नस्ते यथा सुखम्। कृतार्थो नेन ज्ञानेन ह त्वेवं गलितधीकृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन्नस्ते यथा सुखम्। Blessed by this knowledge, subsiding intelligence in self, they stay content even in seeing, hearing, touching, and eating. अष्टवक्र कहते हैं इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि के अंत हित वलीन करते हुए देखते हुए, सॉरी सुनते हुए स्पर्श करते हुए सूंघते हुए खाते हुए सुख पूर्वक रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि अंतहीन विलीन कर करके देखते हुए सुनते हुए स्पर्श करते हुए सूंघते हुए सुख पूर्वक रहते हैं।
सो क्या कहना चाहते हैं यहां पे, उदासीनवत, दो शब्द लगे हैं यहां पे, एक है कृति और एक है गलित धी, दो शब्द आए हैं यहां पे। कृति मीन्स जो करना था कर दिया, दो शब्द है इंपॉर्टेंट इस श्लोक में, श्लोक नंबर 8 अध्याय नंबर 17। एक तो उदासीनवत है, उदासीनवत मीन्स खाता पीता सोता हंसता जाता है रोता लड़ता झगड़ता, लेकिन वो इंद्रिया इंद्रियों में वर्त रही है, उसको अपने से कोई अटैचमेंट नहीं है, जो हो रहा है वो एक पिक्चर की तरह चल रहा है। आपको अगर बड़ी बोरिंग स्थिति है, नहीं, बहुत इंजॉयबल स्थिति, उससे ज्यादा इंजॉयमेंट कभी नहीं है। जब आप इन्वॉल्व होते तो आप इंजॉय नहीं करते, समझिएगा, जब आप इन्वॉल्व होते तो इंजॉय नहीं करते, जब आप ऑब्जेक्टिव होते तो इंजॉय करते। जब स्कूल में पढ़ रहे थे फ्रेंड्स के साथ धड़म 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 हो रहा था, लड़ाई झगड़ा पढ़ाई लड़ाई ये हो रहा था, उस समय स्कूल की लाइफ को आपने इंजॉय नहीं किया ना। माजी में जब चले जाते हो उसको इतिहास बन जाता है। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब बड़े हो जाते तब कहते हैं वो टाइम बड़ा चंगा सी, वो टाइम बड़ा चंगा सी, जद से उत्थे रहने से। ये जो उस समय जब अनुभव हो रहा था तब आपने इंजॉय नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उस समय आप ऑब्जेक्टिव नहीं थे, साक्षी भाव नहीं था। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हर अनुभव को विटनेस से साक्षी से देखता है। दो शब्द है कृति, कृति मीन्स अब करने लायक कुछ रहा नहीं, जो करना था कर दिया, अब नथिंग लेफ्ट टू रिमेन, कुछ करने लायक नहीं रहा लाइफ में, क्या करेंगे अब। इट्स नॉट अ रिटायरमेंट लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ वेयर यू डू यू वांट टू रिटायर, इट्स समथिंग वेयर यू डोंट हैव एनी अदर डिजायर। अब मर्ज हो गए, अब क्या करें, कितनी और गाड़ियां खरीद लोगे, कितने और मकान बना लोगे, कितने और बच्चों की शादी कर लोगे, कितने और प्रमोशन और प्रमोशन ले लोगे, कितना और आप अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे। संसारिक अचीवमेंट, संसारिक अचीवमेंट कुछ छोटी बड़ी नहीं होती, संसारिक अचीवमेंट होती है जो एब्सोल्यूट हो, रियल हो, एब्सोल्यूट हो। संसारिक अचीवमेंट तो बहुत सिंपल है, अचीवमेंट भी क्या है, कंपेरेटिव है, रिलेटिव है, लेकिन हाईएस्ट अचीवमेंट है वो मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो दूसरा शब्द है, एक है कृति, जो करना था हो गया, जो करना था कर लिया। दूसरा शब्द है गलित धी, बुद्धि गल जाए, शब्द यूज, वेरी स्ट्रॉन्ग शब्द यूज किया, बुद्धि गल जाए, डिसॉल्व हो जाए, अब कोई तिगड़मबाजी नहीं हो रही दिमाग, अब दिमाग के पर्ते खुल नहीं रही, उसकी टोपी उसको पहनाओ, उसको ये बोल दो, वो नाराज ना हो जाए। हम तो बुद्धि को गलत इस्तेमाल में लगाए रखते हैं, या बुद्धि का इस्तेमाल बेकार की चीजों में करते हैं। गलित धी, जिसकी धी गलित हो, हमारी तो बुद्धि इसी मैनिपुलेशन में लगती है। दो बच्चों के बीच में आपकी बुद्धि भटकी रहती है, वो नाराज ना हो जाए, ये वाली बेटी नाराज ना हो जाए, ये वाला बेटा नाराज ना हो जाए, दोनों बेटियां नाराज ना हो जाए, दामाद नाराज ना हो जाए, भाई नाराज ना हो जाए, बहन नाराज ना हो जाए, पति नाराज ना हो जाए, माँ नाराज ना हो जाए, सबकी नाराजगी की आपको चिंता है। बुद्धि इसी, दूसरा नाराज ना हो, उसी की तिकड़म में हमारी बुद्धि जिंदगी भर भरी रहती है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। हम फंस जाते हैं दो दो इंडिविजुअलों के बीच में, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, मां फंस जाती है हस्बैंड और बेटे के बीच में, भाई फंस जाते हैं दो भाई और बहन के बीच में, एक वर्कर फंस जाता है बॉस और स्टाफ के बीच में। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो हमारी बुद्धि सारा टाइम दूसरा नाराज ना हो, उस पे ना हो, उसको ये मैं बोल दू, उसको ये बोल दू, उसकी बात इसको ना पता चले, इसकी बात उसको, इसी बुद्धि सारा दिन तिगड़मबाजी लगा, या उसकी इन्वेस्टमेंट उधर कर दू, इतना पैसा यहां डाल दू, यहां पे उसको
कर दूं, इसको बेनामी कर दूं, इसको प्रॉफिट में कर दूं, इसका फिक्स डिपॉजिट कर दूं, इसको शेयर में डाल दूं, इसको, इसी में ही सारा दिन खराब हो जाए। बुद्धि हमारी क्या कर रही है, ये वाली सब्जी खाऊं, ये वाली सब्जी ना खाऊं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे विटामिन बढ़ते हैं, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट, इसी में हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, इसी एनालिसिस में। ये तो फाइनेंशियल एनालिसिस में होते हैं, यहाँ FD डाल दूं, यहाँ प्रोविडेंट फंड कर दूं, यहाँ पे GPF कर दूं, यहाँ पे पैसा कर दूं, यहाँ पे रोक दूं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूं, यहाँ का इंश्योरेंस ले लूं, ब्ला 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 ब्ला, जिसे लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं। एंड फॉर मी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सारा दिन बुद्धि पैसे के जुगाड़ में लगी है, या फिर सारा दिन कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इसमें प्रोटीन ज्यादा, इसमें फैट ज्यादा, इसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, इसमें शुगर हो जाएगी, या फिर शरीर के ताम झाम में बुद्धि बस जाएगी, या उससे बचती है, पैसे से बचती है, शरीर से बचती है, फिर आ जाती है सुपर ग्लू बच्चों में, बुद्धि उसी में लगाई रहती। अच्छा वो नाराज में, अच्छा उसको बर्थडे विश किया, उसके पोते पोती भी बर्थडे विश किया। I was really shocked. I never experienced in my life that type of experience. हम यूरोप ट्रिप लेके जाते हैं, यूरोप अमेरिका दुनिया भर में ट्रिप लेके जाते हैं 2 साल में एक बार, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने दुनिया देखी, मैंने दुनिया इन द सेंस ऑफ काफी कंट्रीज देखी, तो मेरे फैमिली भी देखे, परिवार देखे, मेरा परिवार सिर्फ छोटा थोड़ी है, मेरे स्टूडेंट देखे। तो पहला बार हम स्विट्जरलैंड ट्रिप लेके गए, पहला ट्रिप हमारा स्विट्जरलैंड का था, 7 दिन का ट्रिप था, स्विट्जरलैंड पूरा, स्विट्जरलैंड जिनेवा टू ज्यूरिख टू जर्मन टू एंगलबर्ग, यू नेम इट, वी बीन देयर, बिकॉज आई वॉज इन स्विट्जरलैंड बिफोर आई केम टू वेदांता, सो आई न्यू नुक एंड कॉर्नर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में हम गए, 7 दिन का ट्रिप था, कहीं 40 लोग थे हम इकट्ठे गए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, पीपल आर नॉट वॉचिंग द सीनरी, ब्यूटीफुल एंगलबर्ग नहीं देख रहे, माउंट टिटलिस नहीं देख रहे, जुम्फ्राउ नहीं देख रहे, लेक लिमान नहीं देख रहे, बैठे हुए और ये डिस्कस करे जा रहे आपस में। अच्छा तुझे पोते ले की लिता, अच्छा लिस्ट है, दामाद को देना है, बहू को देना है, छोटी बहू को देना, पोते को देना, इस पोते को देना, नाते को देना, 40 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, किसी को टॉय चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को परफ्यूम चाहिए, सारा टाइम इसी चक्कर में लगे, देखना नहीं है, शॉपिंग में भागना, क्यों कोई नाराज ना हो जावे, कोई नाराज, कोई रह ना जावे, कोई नाराज ना हो जाए। I've seen people, orthodox ब्राह्मण ड्यूटी फ्री से अल्कोहल ले रहे, क्यों दमाद नो चाहिए। I said, this is, you're not enjoying it. इतना स्पेंड किया आपने, यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, दिमाग बुद्धि इन्हीं चीजों में लगी है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टुक ए ट्रिप, आई टुक ए डिसीजन, No shopping. Next first 8-10 days, no shopping. Shopping is only on the last day. So हम सब लोग बुद्धि तिकड़म लगाती है, या तो पैसे पे, या फिर शरीर पे, या फिर पोते पोतियों पे, या फिर और बच जाए तो मोदी पे लगा देती है, मोदी ऐसे करता है, मोदी ऐसे नहीं करता, मोदी ने किया, बुद्धि धी गलित हो जाए, गलित हो जाए, गलित मीन्स नाउ यू आर स्टॉप्ड बॉदरिंग योरसेल्फ, गलित मीन्स डिसॉल्व हो जाए, और जब बुद्धि गलित हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, देन यू डोंट गेट इनटू एजिटेटेड मोड। एजिटेशन मोड तभी होता है जब आप अपने आप को, दिमाग को कुरेदते रहते हो। श्लोक नंबर नौ अध्याय नंबर 17। शून्या दृष्टेर्वृथा चेष्टाः विकलानीन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वाः क्षीण संसार सागरे। शून्या दृष्टेर्वृथा चेष्टाः
विकलानींद्रियाणि च नस्पृहान विरक्तिर्वाह क्षीण संसार सागरे। Keeping their gaze unoccupied, having stilled the tendency of their senses, they have no attachment or aversion for this feeble world. दृष्टि को शून्य और अस्थिर, इंद्रियों को चेष्टा को नष्ट करके, दृष्टि को शून्य और अस्थिर करके, इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके, इस असक्त संसार रूपी सागर से ना तो आसक्ति रखे और ना ही विरक्ति रखे। श्लोक नंबर 9, अध्याय नंबर 17। टीचर कहते हैं, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया, ऐसा पुरुष ना तो तृष्णा है ना विरक्त है, दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इंद्रियां विफल हो गई है। देयर इज नो मोर चेष्टा। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। आई रिपीट, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति शाहों के शाह हैं, शहंशाह। इसलिए स्वामी रामतीर्थ अपने आगे लिखते थे, शहंशाह राम, शहंशाह राम। ली जो करवट तो मैंने जाना, के राम मुझ में मैं राम में हूं, जरे जरे में है वो समाया, के राम मुझ में मैं राम में हूं। ये दुनिया आईना न राम का है, हर एक सूरत में है वो पैदा। ज्ञान की जब अग्नि आंख खुली तो मैंने देखा कि राम मुझ में मैं राम में हूं, शहंशाह राम, स्वामी राम तीर्थ। ली जो करवट तो मैंने जाना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हमारी तो हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा अभी तो कम निकले। हमारी जिंदगी यही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, बहुत निकल गया, बहुत दुखी हो चुके। ख्वाहिशें, चाहते, इच्छाएं, और ये चाहते ही आपको धोबी पटका मारते। आपको कि सर चाह छोड़ दी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं, चाहत छोड़ दी तो जिंदगी खत्म नहीं होगी, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा। सो हम सब लोग ब्रह्म ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, बातें तो बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये माया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर वो ब्रह्म स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम आत्म तत्व है, हम ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन जिंदगी के धरातल में जब पहुंचते हैं तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा अभी तो कम निकले। अभी तो बहुत कम निकले आपकी जान, अटकी हुई है जान ख्वाहिशों में, अटकी हुई है हमारी जान हमारी विशेष में। आई विश, आई विश, आई विश, आई लव इट, आई विश। और कोई जो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो विश विषयों से, उसको कह दो विषय छोड़ दे। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को लोग पसंद नहीं करते, ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा कम होती है, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बात नहीं होती, ब्रह्म ज्ञानी से कोई मिलना नहीं चाहता, ब्रह्म ज्ञानी की कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बात बोलता है जो हमें पसंद नहीं। ब्रह्म ज्ञानी कहता है चाह छोड़ो, चिंता चली जाएगी। नहीं, हम तो चाहतों को लेके बैठे हुए और लेके बैठे हुए दुखी हो। तो 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान अष्टावक्र कहते हैं, क्षीण हो गया संसार, अब कोई डिजायर नहीं रही। आई रिपीट, ये प्रोसेस नहीं है, मंजिल है,
आई रिपीट, साधना अलग है, सिद्धि अलग है। साधना पहाड़ पे चढ़ना है, सिद्धि उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के व्यू अलग है। साधना में आपके अंदर डिजायर है कर्म की, भक्ति की, ज्ञान की। साधना में आपके अंदर इंटरेस्ट है कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का, लेकिन सिद्धि में आप इससे मुक्त हो जाते। साधना में आपको इंटरेस्ट है मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने का, साधना में आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने का, लेकिन सिद्धि में आप उस इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ना चाहते हो, सिद्धि में आप उस मेडिकल कॉलेज को छोड़ना चाहते हो। साधना और सिद्ध अलग है, इसलिए दोनों को मिक्स में मैच मच कीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रोसेस अलग है, सिद्धि अलग है। प्रोसेस भूख है, प्रोसेस भूख है, सिद्धि तृप्ति है। भूख लग रही हो आपको, उस समय आपको कोई बोल दे तृप्त हो जा, शांत हो जा, ध्यान में लग ले, नहीं होगा। आप खाना तृप्त, खाना आपको तृप्त करेगा, और एक बार खाना कंज्यूम्ड कर लिया देन खाने से कोई अटैचमेंट नहीं। खाना साधना, तृप्ति सिद्ध। और साधना के वक्त में सिद्धि को समझ नहीं आता, और जब सिद्धि आ जाए तो साधना निर्लेप हो जाती। एक बार भर पेट खा लिया खाना, अब आपको कोई प्रार्थना करता है एक और परांठा खाने की, भर पेट खा लिया, अब आपको कोई प्रार्थना करता है एक और परांठा सब्जी रोटी खा लो, आपको उस प्रोसेस से निर्लेप हो गए हो आप परांठे से सब्जी से निर्लेप हो गए। क्यों? क्योंकि पूर्णता को प्राप्त हो गया। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएं तो साधना नानासंशय हो जाती है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साधना और सिद्धि को एक मान लेते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 अध्याय नंबर 17 क्या कहता है हम देखते हैं। न जगर्ति न निद्राति नोन्मीलिति न मीलति अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। न जगर्ति न निद्राति नोन्मीलिति न मीलति अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। Aha, in that supreme state where there is no wakening, no sleep, no opening or closing of eyes, rarely someone with liberated consciousness stays. Na jagta hi hai, na sota hi hai, na aankhon ko kholta hai ya band karta hai. Aha! ये परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वरला विरला ही रहता है। इस परम चेतना में कोई विरला ही रहता है। वह न जागता है, न मरता है, न पलक झपकता है, न पलक बंद करता है। ओहो, मुक्त चेत कोई परम उत्कृष्ट दिशा में रहता है। टेम्पररी हमें थोड़ा सा मिलता है, टेम्पररी हम थोड़ा सा आहा मोमेंट होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। जैसे माइंड इंटेलेक्ट ब्लेंड होता है टेम्पररी अहम मूवमेंट आता है। जैसे आप सामने पानी में काई है, आप साइड में करो आपको अपना प्रतिबिंब नजर आता है, लेकिन जैसे हाथ ऊपर किया वो काई दोबारा आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म अहम मूवमेंट होते हैं। ओ वंडर, कभी कोई आइडिया हिट किया हो, कोई विचार, लेकिन वो परमानेंट, वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो परमानेंट नहीं रहता। अहम मूवमेंट तो बहुत होते हैं। कब होते हैं? जब मन बुद्धि ब्लेंड हो जाए, जब आइडिया समझ आ जाए, जब बात पल्ले पड़ जाए। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति हमेशा उसी इंटॉक्सिकेशन में रहता है। फिर आंखें पलकना, बंद करना भी उसके लिए एक प्रयास हो जाता है। आंखें बंद करना, जागना, सोना, पलके बंद करना, खोलना,
जाग ना जागता है, ना मरता है, ना पलक झपकता है, कुछ नहीं करता, अपने इंद्रिया इंद्रियों में वर्त रही है। पांचवे अध्याय में भगवान कहते हैं इंद्रिया इंद्रियों में वर्त रही है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि मैं उससे पूरी तरह से निर्लेप हो चुका हूं। हमारे घरों में भी बर्तन होते हैं निर्लेप के, वैसे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा, नॉन स्टिक वेसल्स को का जो ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है निर्लेप, नाम बड़ा सुंदर है जिसने भी रखा। क्यों नॉन स्टिक वेसल क्या होते? नीचे आग है, नीचे आग है लेकिन ऊपर डोसा चिपकता नहीं, सब्जी चिपकती नहीं। क्यों? क्योंकि एक ग्रीसी लेयर है जो आग को हीट तो देती है लेकिन प्लेट को चिपकने नहीं देती। यही ग्रीसी लेयर वैराग्य है। संसार आग है और आपका जीवन सब वस्तु व्यस्ते है। संसार आपको चिपकाता है, संसार आपको अट्रैक्ट करता है, संसार आपको बर्न कर देता है, संसार आपको जला देता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में विवेक की ग्रीसी लेयर नहीं छुपी हुई। यदि विवेक की ग्रीसी लेयर हो तो हम संसार की इस अग्नि से पूरी तरह से निर्लेप रहेंगे, संसार में रहेंगे लेकिन निर्लेप रहेंगे। लेकिन अगर बुद्धि की ग्रीस में, बुद्धि में ज्ञान रूपी ग्रीस नहीं पड़ी हुई तो संसार की अट्रैक्शन एंड अवर्शन, राग और द्वेष हमको हमेशा जला के रखेंगे। जलाना शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो फिजिकल जलना होता है, दूसरा जलना था बुद्धि तो बहुत जल रही है। जल रही है मतलब क्या? एजिटेटेड हो रही है। उसके पास में भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी? एडवर्टाइजमेंट भी आपको जलाते, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी? जलो, एडवर्टाइजमेंट है। ओनर्स प्राइड्स नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, जलो ना। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति शांत है, धीर है, गंभीर है, सुधीर है। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा आखिर में कि दिस साउंड्स वेरी यूटोपियन आइडिया कि अटैचमेंट मत रखो। दिस साउंड्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कि अटैचमेंट छोड़ दो, राग छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, डिटैच हो जाओ। मुश्किल लगता है और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये मुश्किल है। मैं कहना चाहूंगा मुश्किल है, ये मत सोच के बैठ देना कि बड़ा आसान है। बट ऐसी दुनिया में करोड़ों मुश्किल चीजें आप सीखते हो, करोड़ों मुश्किल चीजें आप करते हो क्योंकि जरूरी है। यूएस वीजा आसान है। आई एम नॉट टॉकिंग बट यू आर नॉट कैपेबल और नॉट कैपेबल, प्रोसेस इटसेल्फ क्या आसान है? टेल मी, To get a visa of a US visa or immigration, is it a easy thing? नहीं है। But आप क्या करते हो? आप प्रयास करते हो। नहीं कर पाते तो उन लोगों की सहायता लेते हो जिनको पता है। Isn't it true? आप मुझे बताइए, दिल्ली के चांदनी चौक में ड्राइविंग करना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है but we do it। क्यों? क्योंकि जरूरी है। कौन सी चीज आसान है मुझे बता दीजिए। इस संसार में कौन सी चीज आसान है? यदि आप मुझसे पूछे, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज करने में से एक चीज है, वो है आटा गुनना। आप हंस रहे होगे। फॉर मी आटा गुनना बहुत मुश्किल है ना। मैं गुनता हूं, डोंट एवर थिंक कि मैं गुनता हूं। क्यों नहीं गुनता? कोई और कर लेता है। वीजा करना मुश्किल है, इमिग्रेशन करना मुश्किल है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल है, सोशल कई एक्टिविटीज हैं जो बहुत टफ कुकी टू क्रैक हैं। बट यू डू इट। व्हाई यू डू इट? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज पैरामाउंट इन योर लाइफ। ड्राइविंग मुश्किल है, कुकिंग मुश्किल है, एम्ब्रॉयडरी मुश्किल है, कौन सी चीज आसान है?
लेकिन करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि जरूरी है। और अगर नहीं सीख पाते, नहीं कर पाते, तो शरणागति जाते हो। ड्राइविंग नहीं सीख पाते तो शरणागति जाते हो, उन लोगों की जिनको ड्राइविंग आती है। वीजा मुश्किल है, उन लोगों की शरणागति जाते हो जिनको वीजा की डिटेल्स पता है। जिंदगी में कामनाओं को खत्म करना मुश्किल है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन हम उन लोगों की शरणागति में जाएं जो इसके अंदर महारत हासिल कर चुके हैं। ये भक्ति है, ये साधना है। और एक बार महारत आपने हासिल कर ली वीजा प्राप्त करने की, एक बार महारत हासिल कर ली ड्राइविंग करने की, एक बार महारत हासिल कर ली आटा गूंदने की, फिर आप दूसरों को सिखा सकते हो, फिर दूसरों को बता सकते हो, फिर आप गुरु बन जाते हो, दूसरे चेले बन जाते हैं, आप उस्ताद बन जाते हो, दूसरे शागिर्द बन जाते हैं, आप टीचर बन जाते हो, दूसरे स्टूडेंट बन जाते हैं। सोचिएगा इस बात पे। हरि ओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।